हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ ममता। और मैंने सोचा था कुछ इस तरह की ड्रेस बनाऊं, और फिर मैंने सोचा चलो कुछ इस तरह की ड्रेस बनाऊं। एक्चुअली इस ड्रेस को बनाने में बहुत सारे डिज़ास्टर हुए। बनाना तो मैं कुछ और ही चाहती थी, कटिंग तो मैंने किसी और ही चीज़ की थी, लेकिन मैंने बना कुछ और ही डाला। फिर मैंने सोचा ये बनाऊँ, और आखिरकार मैंने ये बनाया। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा, फाइनली लुक अच्छा ही आ गया। जो भी बना अच्छा बना। हालांकि मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि धोती स्कर्ट भी बनाऊं विथ क्रॉप टॉप, लेकिन ये फैब्रिक मैंने किसी और ही ड्रेस के लिए लिया था। बनाना कुछ और ही चाहती थी, मैं शॉर्ट ड्रेस बनाना चाहती थी एक्चुअली अपनी बेटी के बर्थडे के लिए। बट समहाउ समझ में नहीं आया मैंने कैसे फैब्रिक इस तरह से कट कर दिया कि उसके लिए फैब्रिक कम पड़ गया और वो नहीं बन पाया। तो चलिए मैंने ये बनाया। तो अपनी वही बेसिक कटिंग टॉप की मैंने। मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था कि मैंने फिर उसके बाद ढंग से वीडियो बनाई भी नहीं। तो ये बना रही थी मैं एक्चुअली उसके लिए ए लाइन की ड्रेस शॉर्ट, और मेरा दिमाग देखो, मैंने मार्जिन ही नहीं रखा। मैंने जैसे 32 वेस्ट है ना, तो 32 वेस्ट में ही कटिंग कर दी, और उसके बाद तो फिर कपड़ा छोटा पड़ना ही था, वो बनी नहीं। चलो अब जो मेरे पास फैब्रिक बचा था ये लगभग 1.25 मीटर था, तो मैंने सबसे पहले इसमें से ऊपर से बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये हमारा डबल फोल्ड है, और जितनी भी मेरी वेस्ट है, जैसे मेरी 32 है, तो उसका हाफ ले लिया 18 और उसमें एक प्लस कर दिया। और उसके बाद जितना भी मेरे पास ये अलग से ये साइड में जो जोड़ वाला हिस्सा था वो बचाना, तो इस तरह से मैंने ये हल्की सी इसमें 6 इंच की गोलाई की कटिंग कर दी इस तरह से। फिर उसके बाद जब इसको खोला, ये देखिए, तो हमारे पास जो है हमारी जो वेस्ट का मेज़रमेंट था, जैसे मेरी 32 थी प्लस में हमने 1 करा, तो 16 हमारे पास 16.5 इधर और 16.5 उधर बचा। और ये जो बीच में जितना ही फैब्रिक बचा जो गोलाई का था, बीच में मैंने जो सबसे सेंटर में प्लेट डाली वो मैंने बॉक्स वाली डाली, क्योंकि दोनों तरफ से डालूंगी उसको, और बहुत गहरी गहरी प्लेट डाली मैंने क्योंकि फैब्रिक काफ़ी था। और ये फैब्रिक मेरा एक्चुअली मैं दूसरी ड्रेस के लिए लाई थी, थोड़ा मोटा रहा, वैसे इसके लिए थोड़ा सा पतला फैब्रिक ज़्यादा अच्छा रहेगा, हालांकि पतला सेटिन जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा मोटे वाला सेटिन था, सेटिन सिल्क। तो चलो जो भी है, तो इस तरह से ये पूरी तरह से करके इस तरह से ये देखिए सामने वाली जो प्लेट बनेगी ना वो बॉक्स प्लेट बन जाएगी। और उसके बाद मैंने दोनों ही तरफ बिल्कुल सेम गहराई की प्लेटें बनाई हैं, जैसे इधर भी 7 बनाई हैं तो इधर भी 7 ही बनाई हैं, इस बात का ध्यान रखना फिर वरना ऑर्डर लगेगा। और हमने लास्ट तक बनाई हैं ये प्लेट्स, जहाँ से ये हमारा जो कर्व वाला पूरा अपना पूरा कंज्यूम कर लिया हमने ये फैब्रिक, जहाँ तक हमारा ये आ रहा है कर्व, उसके बाद हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए इस तरह से ये। तो बस इसके बाद ये पिंस को हटाते जाइए और पहले ये वाली सिलाई लगा लीजिए, ये जो प्लीट्स वाली है इसको कंप्लीट करिए। अच्छा बताइए आपको मेरी ड्रेसेस कैसी लग रही हैं। मैंने कुछ सीखा नहीं है, मैंने कोई स्टिचिंग नहीं सीखी, मैंने कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा। ये मेरे को पैशन तो खैर नहीं कहूँगी, शुरू से तो नहीं था, बट कुछ सालों से हुआ, लेकिन अब सीरियसली बहुत पैशन हो गया है ड्रेसेस को डिज़ाइन करने का। उसकी वजह शायद कुछ एक ये भी है कि मेरे जैसे ही मैं कपड़े चाहती थी ना, कोई बना नहीं पाता था, बहुत दिमाग ख़राब होता था। इतना पैसा लेने के बाद भी एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने बहुत पैसा दिया, मेरा फैब्रिक भी ख़राब कर दिया टेलर ने और मेरा कपड़ा भी ख़राब कर दिया, तो मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। और कुछ कहो तो सब लड़ने के लिए आते हैं आजकल, पैसा सब कुछ, ये काम कोई नहीं करना चाहता, ये फैक्ट है। तो मैंने सोचा मैं खुद ही करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ। तो अब ये वाली हमारी बस एक सिलाई आएगी, ये बैक में चली जाएगी हमारी इस तरह से, इन दोनों को हिस्सों को जोड़ दिया तो ये बैक में चली जाएगी। तो बस मैं आपको बता रही थी कि कैसे मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं भी आई एम जस्ट लर्निंग यूट्यूब से, इधर उधर से जहाँ भी कुछ दिखता है मुझे, कोई भी ड्रेस देखती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं भी बनाऊँ ये अपने लिए, क्योंकि हर वक्त मैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक है फैशन का और फैशनेबल कपड़े पहनने का। इनफैक्ट मेरी बेटी को भी है और हम दोनों का साइज़ भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम ही है, तो मैं कोई भी ड्रेस बनाती हूँ तो ये फ़ायदा हो जाता है कि हम दोनों ही पहन लेते हैं, और हम दोनों को ही फैशनेबल कपड़ों का बहुत शौक है। तो इसलिए इस तरह से मेरे अंदर ये डेवलप हुआ ड्रेसेस बनाने का इंटरेस्ट। ओके, तो बस इस तरह से ये सिलाई लग गई। और उसके बाद जो है ऊपर हमने जो बेल्ट के लिए फैब्रिक निकाल के रखा था, उस तरह से बस उसको बेल्ट को हमें बेसिकली अटैच करना है ऊपर, जैसे हम करते हैं। तो देख लीजिए किस तरह से अटैच किए मैंने इस तरह से। तो टाइम लगता है मुझे, मैं बहुत एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो धीरे धीरे बस सीख रही हूँ, कर रही हूँ। आप भी मेरी तरह कर सकते हैं, कोई भी, जब मैंने कर लिया ना तो कोई भी कर सकता है।
मेरे को इतनी ज़्यादा बेकार लगता था ना ये स्टिचिंग वगैरह करना, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी कभी कुछ कहती भी थी ना बनाने के लिए, मैं कभी नहीं बनाती थी। मुझे बहुत मम्मी ने बहुत मार पीट के 1 महीने के लिए मुझे स्टिचिंग सिखाई भी थी एक्चुअली शादी से पहले, बट वो भी मैंने ढंग से नहीं सीखी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था इन सब चीज़ों में। बट अब अपने आप ही डेवलप हो गया बिना किसी के कहे। तो इस तरह से हमने बेल्ट लगा दी है, इलास्टिक के साथ में लगाई है मैंने स्कर्ट की बेल्ट। अच्छा, इस स्कर्ट को ना हम कई तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल को, इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिए अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं, और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं जो भी ये ड्रेसेस वगैरह बनाती हूँ उनको स्टाइलिंग कैसे करना है वो भी मैं उसमें बताती हूँ आपको। रोज़ाना अपडेट्स होती हैं। यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ नहीं बन पाती क्योंकि वॉइस ओवर नहीं हो पाता, मेरे यहाँ बहुत शोर रहता है एज़ यू कैन हेयर, और बस मैं भी हाउसवाइफ हूँ तो काफ़ी बिजी भी रहती हूँ। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंगली अब टाइम को मैनेज करके ये सब कुछ करती हूँ जैसे तैसे। तो यूट्यूब पे वीडियोस इसलिए वजह से थोड़ी सी कम हो पाती हैं, इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ता है और उसकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी आती नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, और मुझे रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा नहीं मिलता फ्रेंकली स्पीकिंग। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ डेली अपडेट होती है मैं डेली या तो स्टाइलिंग या कुछ। तो इस तरह से ये ड्रेस बन गई थी, तो अपने आप में वैसे मुझे सही लग रही थी, बट मुझे पता नहीं क्यों ये थोड़ी अधूरी अधूरी लग रही थी। तो मैंने क्या किया, ये जो स्लीव्स हैं ये स्लीव्स अपने आप ही बेल स्लीव्स बन गई बाय चांस, मैंने बनाई नहीं थी। तो फिर उसके बाद जो है मैंने स्लीव्स में नीचे की तरफ सिलाई लगा ली इसको, और क्या कहते हैं हेम कर लिया स्लीव्स को। फिर उसके बाद मैं लेके आई लेस। अब ये होता है पैशन कि मेरे को रात को 9-10 बजे का टाइम था और बस मुझे ये था कि बस मुझे आज ये कंप्लीट करनी है। ये ड्रेस मैं कई दिनों से लेके बैठी थी और कुछ नहीं समझ में आ रहा था कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, और मुझे एकदम से मेरे को इतना दिमाग में भूत चढ़ा कि मुझे आज ही कंप्लीट करनी है, और मैं लेके बैठ गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 8-8:30 बजे से मशीन लेकर बैठी और 10-10:30 बजे मैंने कंप्लीट कर दिया। इसमें कि मैं ये फटाफट से जाके, जब पैशन होता है ना तो मैं जाके ये लेस खरीद के लेके आई, और ये लेस मैंने गले पे लगाई, पर मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था क्योंकि थोड़ा सटल चीज़ें पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए तो नहीं। तो अब आप बताइए ये ड्रेस आपको कैसी लगी। मैंने इसको दूसरे टॉप के साथ भी पहन के दिखाया है और उसके साथ भी बहुत अच्छी लगी, इनफैक्ट मेरी बेटी को उसको ज़्यादा अच्छी लगी, और ये लेस की वजह से ये देखिए लुक एकदम निखर के आया है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कृपया अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए प्लीज़। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, कभी मेरे को फल तो मिले इसका पता नहीं कब मिलेगा, मुझे नहीं पता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी फॉर सच एज वीडियोज़। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।